जैसलमेर से खबर है जहां रामगढ़ में शराब की दुकान को लेकर हंगामा हुआ है। महिलाओं को आता देख शराब विक्रेता ने शटर बंद कर दिया। महिलाओं ने शटर पर पत्थर फेंके हैं। मोहल्ले में खोली गई शराब की दुकान को लेकर विवाद चल रहा है। मौके पर बड़ी संख्या में भीड़ जुट गई है लोगों की। पुलिस जाब्ता भी तैनात है और तनाव काफी बढ़ गया है। फिलहाल पुलिस लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है, प्रयास कर रही है। शराब की दुकान को हटाने पर महिलाएं अड़ गई हैं। शराब की दुकान के आगे डेरा डाल दिया है महिलाओं ने। जी मीडिया संवाददाता मनीष रामदेव हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़े हैं। मनीष, ये बताएं कि अब बीच का रास्ता क्या निकल पा रहा है? शराब की दुकान महिलाएं खुलने नहीं दे रही हैं और जो शराब का दुकानदार है, जो इस दुकान का मालिक है, वो दुकान खोल भी रहा है। अभी से इस पूरे मामले में पिछले कई दिनों से महिलाओं द्वारा रामगढ़ कस्बे में शराब की दुकान का विरोध किया जा रहा था, क्योंकि ये जो शराब का दुकान है ये आबादी के बीच में है और ऐसे में महिलाओं का ये कहना है कि इस इलाके में दिन भर महिलाओं का और लड़कियों का जो है वो आना जाना होता है। लड़कियों की स्कूल भी जो है वो इस इलाके में, एक मंदिर भी इस इलाके में। महिलाएं पिछले कई दिनों से जो है वो इस दुकानदार को कह रही थी कि इस दुकान को गाँव से बाहर, कस्बे से बाहर कहीं शिफ्ट कर दे, क्योंकि इस दुकानदार द्वारा जो है वो शराब जो है वो माने दामों पर बेची जाती है। इस बात को लेकर भी यहाँ पर शराबियों का आए दिन झगड़ा होता है। तो कुल मिलाकर महिलाएं जो है वो बहुत प्रताड़ित थी, बहुत दिनों से दुखी हो रही थी और आज महिलाओं ने दुखी होकर इस शराब की दुकान। अधिकारी क्या कह रहे हैं मनीष, अधिकारी क्या कह रहे हैं कि इसका रास्ता क्या निकलेगा? पुलिस मौके पर पहुंच गई है, रामगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची है। रामगढ़ पुलिस ने महिलाओं को समझा बुझा कर फिलहाल जो है वो घर भेज दिया है और पुलिस जो है बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है। दुकानदार से दुकान को कस्बे के बाहर शिफ्ट करने की बात कर रही है और ऐसा नहीं करने पर आपका विभाग को भी जो है वो इस पर कार्रवाई करने के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष इस पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल महिलाओं ने अधिकारियों के समझाने पर अपनी नाराजगी थोड़ी देर के लिए खत्म की है, लेकिन उनका कहना है कि शराब की दुकान यहां से शिफ्ट होनी चाहिए, अन्यथा फिर से वो पहुंचेंगी और फिर से हंगामा करेंगे।